तो फ्रेंड्स आज देख सकते हो कि आज आप थंबनेल देखे ही होगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, फेस स्मूथ कैसे करते हैं और क्या नहीं। अगर आप बिगनर हो, फोटो एडिट करते हो, आपसे फेस अच्छे खासा स्मूथ नहीं हो पाता है या कलर सेटिंग नहीं हो पाता है, तो मैं कलर सेटिंग जो है लास्ट में ज़रूर बताऊँगा कैसे आप कलर सेटिंग कर सकते हो। और अभी जो स्मूथ करना है मैं स्मूथ करके बताऊँगा कि कैसे आप स्मूथ कर सकते हो और कैसे नहीं। तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। और अगर न्यू हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हाँ गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से ऑटोडेस्क आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ऐसे मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। देखो यहाँ पे अपना यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिए या साइन इन के लिए यहाँ पे ओपन मतलब ऑप्शन आता है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे कॉर्नर पे ऊपर में आपको यहाँ पे कट का ऑप्शन दिया था, यहाँ से आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इस टाइप का ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्या करना है, फोटो को स्मूथ करना है फेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फेस स्मूथ करना, फेस को सॉफ्टनेस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आपका मतलब फोटो एडिट कर तो नहीं फेस स्मूथ होता है, नहीं बढ़िया से नहीं गोरा होता है, तो मान लाइक फोटो एडिट नहीं कर पाते हो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो यही है। चलो इसको मैं बताता हूँ कैसे आप अच्छे तरीके से फेस स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने फोटो को ऐड करना है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको गैलरी पर क्लिक कर देनी है। उसके क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको हटा देनी है जो बैकग्राउंड व्हाइट कलर की है, आपको यहाँ पर क्लिक करके हटा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना सीधा इस प्लस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल इमेज पे क्लिक कर देनी, ठीक है। और क्या करना है, आपने चले जाना अपनी फाइल में, तो चलते अपनी फाइल में और फाइल में जाने के बाद क्या करना है, अपना जो फोटो अपने फाइल में जो रखा होगा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ऐसे में अपनी फाइल में ये रखा हूँ फोटो, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखो तो आप फेस देख सकते हो किस टाइप के यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से स्मूथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखना क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, आपको ये वाली ब्रश को सेलेक्ट करनी है। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि सारा यहाँ पे सेटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सबसे पहले क्या करना, स्क्रीन शॉट ले लेना या अपना अपने पेज पर कहीं लिख लेना, ठीक है। और लिखने के बाद आपको सारा चीज़ ये रहेगा, बस आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, बट हम नहीं करेंगे, इतने भी रोकेंगे और यहाँ से करते हैं फेस स्मूथ, ठीक है। तो आप देखते रहना क्या करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम सीधा जैसे कि आप फेस स्मूथ करते हो तो आपको सीधा पहले खींचना है, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पर खींच रहा हूँ, ये नहीं कि टेढ़ा वाला खींचोगे तब सारा चीज़ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आप देखो कितने अच्छे से यहाँ पर स्मूथ हो रहा है फेस, बस आपको आराम आराम से करना है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो आप देखते रहना गाइस, यहाँ मैं करते रहा हूँ। देख सकते हो भाई कितने बढ़िया से हो रही है स्मूथ, देख सकते हो भाई, देख रहे हो ना। तो आपको ऐसे ही आपको स्मूथ करना है फिर, ठीक है। और क्या करना है, आपको यहाँ पे जैसे कि आइस के पास है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके घुमाना है, ठीक है। हाँ ऐसे करके घुमाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जिधर आपकी पोर्शन जा रही है उधर आपको घुमाना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, जितने आराम से काम करोगे उतने आपके फोटो एकदम अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है गाइस, बहुत लोग को इससे नहीं होता है। देखो देखो एक साइड का मैंने एडिट कर दिया फेस स्मूथ, मैं सारा करके दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। अब जैसे कि यहाँ पे पोर्शन इस टाइप ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। अभी ये नहीं कि स्टेट खींचेंगे तो बेकार हो जाएगा, जैसे आपकी पोर्शन जा रही है वैसे ही आपको भी यहाँ पे घुमाना होगा, तभी आपका जो फोटो है अच्छे तरीके से स्मूथ होगा। अब यहाँ पे ऐसे कर घुमाएंगे, ये पोर्शन पे जाएगा, ऐसे ऐसे आपको घुमाना है, कुछ इस तरीके से आपको करना है। सॉरी गाइस, तो वीडियो में पॉज किया था ताकि मैं ये क्या है ना कि थोड़ा नॉइस बहुत आ रहा था, इसलिए वीडियो पॉज किया था। आप देख सकते हो सेटिंग वही रखा है मैंने, सेटिंग में कुछ चेंज नहीं किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे चलो स्मूथ करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हेयर भी दिख रहा है फेस में, तो इसको भी मैं अच्छे से स्मूथ कर दूंगा, हट जाएगा। आप देख सकते हो कैसे कैसे हटाना है आपको। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बिल्कुल मस्त वही लग रही है गाइस। तो आप क्या है यहाँ गर्दन पे करना है, तो गर्दन पे अच्छे से कर देनी है जिस तरीके से। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी बिल्कुल मस्त वाली फेस स्मूथ हो गई है। और क्या करना है गाइस, अगर स्मूथ कर लिया ठीक है, अब खुद से चाहते हो कि हेयर स्टाइल मैंने खुद से बनाया है, खुद से बनाना है हमको, या हमको किसी का कॉपी नहीं करना है, तो आपको हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देनी है, और सबसे पहले स्लाइड करना है आपको ये वाली ब्रश को चॉइस कर लेनी है, और सेटिंग देख लो तुम सेटिंग ये रहेगा आपको, और यहाँ से आपका साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ से मैं तो आपको हेयर बनाकर दिखा देता हूँ किस टाइप का हेयर स्टाइल बना सकते हो ठीक है। तो मैं आपको हेयर स्टाइल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे हेयर स्टाइल भी अच्छे से हम यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो गाइस आप बताना ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये फेस स्मूथ जो टेक्निक बताया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ठीक है। और क्या करना है, अब इसको सेव करना है ठीक है। आपको यहाँ पे फेस को स्मूथ कर लिया, आपको यहाँ कलर सेटिंग करना है, तो करना है कि आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद गैलरी पे क्लिक कर देंगे, आप यहाँ पे सेव को क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम जो हमारा फोटो सेव हो जाएगा। और क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको लाइट रूम में शेयर करना है ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे शेयर पर क्लिक कर देंगे, और शेयर पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको लाइट रूम पर क्लिक कर देंगे, आपकी फोटो जो है लाइट रूम में चला जाएगा। तो देख सकते हो गाइस मेरा फोटो ऐड हो चुका है, चलते हैं इसको मिनिमाइज करके लाइट रूम की तरफ। तो यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, लाइट रूम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस हमारा जो फोटो है लाइट रूम में ओपन हो चुका है, देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पे एक ऐड हो चुका है ठीक है। आप आपको कहना है कि यहाँ पे आप कुछ कलर सेटिंग करना है, मान के चलो फेस स्मूथ कर लिया, कलर भी सेटिंग करना है, आप बोलो यहाँ पे सब कलर सेटिंग कर सकते हो। देखो जैसे में हाइलाइट है तो हाइट में थोड़ा बढ़ा लूँगा, थोड़ा साइडो है तो साइडो को थोड़ा बढ़ा लूँगा, थोड़ा यहाँ व्हाइट बैलेंस है तो व्हाइट बैलेंस आप बढ़ा सकते हो, तो मैं थोड़ा व्हाइट बैलेंस बढ़ा लेता हूँ। मतलब अपनी फोटो के हिसाब से जो कलर सेटिंग करना है करना है ठीक है। ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तो ब्लैक और ब्लैक को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा यहाँ मिक्स पे क्लिक करके थोड़ा कलर सेटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा ये पिंक है तो पिंक को अपने होंठ जो है लिप पिंक कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो एडिट करना। यहाँ थोड़ा मैं फेस को बड़ा कर दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो लुमिनस को बढ़ाओ तो बड़ा हो जाएगा, लुमिनस कम करोगे तो काला हो जाएगा, देख सकते हो। तो मैं तो लुमिनस को बढ़ा लेता हूँ, तो कैसे यहाँ पे देखो हो चुका है, और उसको इससे क्लिक करते हैं, थोड़ा यू को थोड़ा कम कर देते हैं, और यहाँ से कर देते हैं डन। और डन करने के बाद यहाँ से आप इसको कम बेसी कर सकते हो थोड़ा सैचुरेशन को ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा वाइब्रेंस को आपको बढ़ा लेते हैं, ये फोटो एकदम बिल्कुल मस्त लगे। और क्या है कि ये वाली थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे ठीक है, जहाँ चमक आ जाए तो वाइब्रेंट को मैं कम कर दूँगा ठीक है। उसके बाद उस पर क्लिक करके साफनेस को बढ़ा लेंगे, और साफनेस बढ़ाने के बाद और क्या करना है, आपको थोड़ा मोड़ा और स्मूथ करना है फिर, तो हल्का मोड़ा स्मूथ करना है तो आपको उस पर नॉइज़ पैक को थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, थोड़ा और आपको फिर से स्मूथ हो जाएगा देख सकते हो गाइस। और क्या करना है, थोड़ा इस पर कलर नॉइज़, तो कलर नॉइज़ मतलब क्या होता है कि आप जब भी कलर करते हो आपका कलर फटाफट से दिखने लगता है, तो उसको ये मारता है और स्मूथ करता है। तो बस आप देख सकते हो कि हमारी फोटो कितनी बिल्कुल मस्त लग रही है, देखो पहले से था। और ये थोड़ा कुछ कलर सेटिंग करने से क्या होता है, हमारा जो फोटो को रॉयल्टी मिल जाता है, मस्त लगने लगता है। तो बस अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करना है, आपको तीन बार पे क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। तो हमारे फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है ठीक है, सेव हो गया देखो। तो बस आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो बस अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक करना एकदम मत भूलना गाइस। तो बस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके गाइस बाय एंड टेक केयर।